दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस 2010 एंड टुडे वी आर हियर सॉल्विंग द पास्ट पेपर्स. मिस्टर मिफ्ता आलम एंड बिलाल एंड मिस्टर जिशान आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 40,000, 50,000, 60,000. वी हैव टू फोकस द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फोर पार्टनर्स. वी हैड मिफ्ता आलम बिलाल एंड जिशान. They shared their business on April 1st, 2009. This is the date we have to focus. They are sharing profit and loss equally. Okay, the partnership agreement state that Mifta is entitled a salary 5,000 per month. Again, 5,000 multiplied by 12 because it is your per month salary. Interest is paid 6% on their capitals. So you have to calculate the 6% interest on the capitals, which is the amount of per annum. क्या करेंगे उनका कैपिटल है 40,000 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, तो आपके पास 6% का आंसर आ जाएगा. बोनस इज गिवन ओनली टू जिशान भाई, सो सिर्फ जिशान को बोनस दिया जाएगा, बाकी मिफ्ता आलम एंड बिलाल को कोई भी बोनस नहीं दिया जा रहा. पार्टनरशिप क्लोज ऑन December 31st. टोटल इनकम is 135,350. ओके, 135,350 फॉर द ईयर एंडेड 2009. अगेन ये आपके पास टोटल इनकम का वर्ड है, नेट लॉस नहीं लिखा हुआ. दिस इज योर नेट प्रॉफिट. अच्छा, आई प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. वी हैव टू डू इट लिटिल बिट फास्टर. दिस इज द फॉर्मेट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. द रिक्वायर्ड पार्ट इज योर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी. ठीक है, सो यू पीपल हैव टू प्रिपेयर योर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी. द नेम ऑफ द पार्ट इज मिफ्ता आलम एंड बिलाल. एंड देन वी हैव statement of division of net income, or we are writing it income distribution summary on December 31st, 2009. I'm requesting all the participants do it faster with me. Suppose you have to do and show you all the energies, make the columns. You people have to make 6 columns. Your first column is your particulars. You have to write it down, particulars over here where I'm moving my cursor. Then you have to write it down the name of the partners, Mifta, Alam, Bilal and Zishan, and the total column. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस को लिख देना होता है, जो कि आपके पास ऑप्शनल पार्ट है, उसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं होता. कैपिटल्स को लिख के क्लोज कर दें क्लाइंट से. ठीक है, देन यू हैव टू राइट इट डाउन योर नेट इनकम. नेट इनकम इज नेट प्रॉफिट. पॉजिटिवली आंसर है 135,350 इन द क्वेश्चन. देन यू हैव द एडजस्टमेंट. सबसे पहले आपके साथ सैलरीज थी, यहाँ पे आपने सैलरीज को शो करना है कि वो आप लोगों ने पर एनम लिया है, यानी ईयरली ली है. ठीक है, तो आप यहाँ पे इसकी वर्किंग शो कीजिएगा. 5,000 आपने इस तरह शो करना है ब्रैकेट में यहाँ पे, और सेपरेट वर्किंग में भी कि 5,000 into 12 एंड देन यू विल गेट द आंसर. सही है, ओके. दिस इज द 5,000. यस, वेट 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 वेट. 5,000 पर एनम इज ओनली फॉर मिस्टर मिफ्ता. देन यस, सो हेयर वी हैव टू डू द वर्किंग. अगर हमारे पास बिजनेस जनवरी से स्टार्ट हुआ होता, देन वी विल पुट द जनवरी. अगर आपका बिजनेस जनवरी टिल डिसम्बर होगा तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट हेयर इन द क्वेश्चन वी हैव अप्रैल टिल दिसंबर. ओके, दिस इज द करेक्शन बाय द पार्टिसिपेंट. वी हैव अप्रैल टिल दिसंबर, सो वी विल राइट 9 मंथ्स ओवर हेयर आफ्टर काउंटिंग फ्रॉम अप्रैल टिल दिसंबर. ओके, एंड देन वी विल गेट द वैल्यू. 5 9s are 45,000. Okay, for Mr. Mifta. Clear? Then we have another salary 6%. I have discussed with you that you have to show the working for the salaries. Interest. You have to do the working for the interest. 6% interest per annum on the capitals. So you have to apply the capitals on your 40,000, 50,000, 60,000 and 80,000. ठीक है? And it will be your 6% interest. You have to show the working for the interest over here, and the values is on your screen. 18,2250, 275 and 3600. Then we have bonus which is given to only Zishan. इधर आपने यहाँ पे nil mention कर देना है, ठीक है? यहाँ पे nil लिख दीजिएगा या फिर dash भी mention कर सकते हैं. And then what you have to do, आपके पास सबसे पहले जब after writing all the transaction आपने इसको wait. Actually, my book pen is not working properly. Wait for a while.